शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कैसे हो दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम शेख। तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट सैटरडे 22 अक्टूबर 2022 मेरा लड़का उम्रे के लिए गया किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, और 15 दिन का टूर है। और हम हमारे घर से जब शाम को निकले तो दो ओला करना पड़ी, एक छोटी एक बड़ी। छोटी ने कुछ 600 के करीब चार्ज किया और बड़ी ने कुछ 1000 के करीब चार्ज किया। और बच्चे की विदाई के बाद जब हम बेसमेंट में आए कि अब यहां से काली पीली या ओला करके हम हमारे घर पे जाएंगे, तो उस वक्त वहां का जो काउंटर था, बुकिंग काउंटर था, उसने कहा कि अगर आप छोटी काली पीली टैक्सी लेंगे तो 1500 रुपया चार्ज होगा और बड़ी की तो पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो बिलाखिर हम जरा आगे आए और वहां पे BEST की बस खड़ी थी, प्राइवेट बस खड़ी थी और TC वगैरह भी थे और BST का ड्राइवर भी था। तो वो जो बस है जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहां से डायरेक्टली नॉन स्टॉप जो बस थी वो थी गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, और हम अनकरीब 9 एडल्ट और 2 माइनर थे। और मैं तो फर्स्ट टाइम इतना लंबा सफर किया इसी बस में, जिसका पर पैसेंजर चार्ज था 1300 रुपया। तो हमारे 9 पैसेंजर्स का कुछ 1350 रुपया हो गया और 3-4 और भी पैसेंजर बैठे थे, यानी अनकरीब पूरा कैलकुलेशन करो तो 2000 रुपया भी इनकम नहीं हो रही थी। तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये इतनी बड़ी बस BST की, लेकिन ये प्राइवेट थी, इसका जो कंडक्टर था वो BST का था, सेमी गवर्नमेंट का था, और वो जो ड्राइवर था वो प्राइवेट था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि एक बस निकलती है जो CNG है या बैटरी पे है, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से निकल के गेटवे ऑफ इंडिया आ रही, वो भी नॉन स्टॉप, और उसकी जो टोटल इनकम हो रही है, जो सीट अवेलेबल है सब ऑक्यूपाई भी रहे, तो 2000 रुपया मुश्किल से इनकम हो रही है। तो कहने का मफहूम ये है कि BST को क्या मिला, या फिर वो प्राइवेट कॉन्ट्रेक्टर जो ये बस को चला रहा है जिसकी एक ट्रिप में इनकम मुश्किल से 2000 रुपया हो रही है, और वो भी AC बस है, उसका मेंटेनेंस है, उसका CNG है, उसका बैटरी है, ड्राइवर की सैलरी, कंडक्टर की सैलरी। तो मेरे ख्याल से अगर हम ओला भी करते तो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गेटवे ऑफ इंडिया का इससे ज्यादा बिल होता। एंड ऑफ द टाइम मैं ये कहना चाहूंगा कि एक काली पीली जिसमें मुश्किल से 4 पैसेंजर बैठते हैं और वो JJ हॉस्पिटल तक आने का 1500 रुपया चार्ज कर रही थी, और यहां पे इतनी बड़ी बस, कंडक्टर भी है, ड्राइवर भी है, फुल AC है, और ये जो बस चलती है तो ये बस वर्ली सीलिंग होते हुए आती है, उसके बाद ये बस चौपाटी की भी सैर कराती है, और उसके बाद ये बस मेट्रो से टर्न मार के हमको CSMT स्टेशन यानी VT स्टेशन पे छोड़ती है, वहां से हम काली पीली करके घर पे आ जाते हैं। तो कहने का मफहूम ये है कि इस बस को या BST अंडरटेकिंग को क्या मिल रहा है इतनी बड़ी बस चलाने पे, जिसका टोटल किराया मुश्किल से पर ट्रिप 2000 रुपया हो रहा है। तो इसका कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि BST क्या कोट कर रही है, क्या कमा रही है, और एक टैक्सी ड्राइवर काली पीली टैक्सी का 1500 रुपया 4 पैसेंजर के लिए चार्ज कर रही है, और यहां पे अनकरीब 15 या 20 पैसेंजर की मुश्किल से सीट है और सब ऑक्यूपाई नहीं थी, और महज 2000 रुपए भी इनकी आमदनी नहीं हुई, तो इन्होंने क्या कमाए। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि BST खस्ता हालत में चल रही है, लॉसेस में चल रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी पावर है जिसकी वजह से ये अपनी लॉसेस को रिकवर कर।